वेलकम टू अवर चैनल फ्रेंड्स। यहाँ पे देख सकते हैं आज हमारे पास एक पार्सल आया है और इसके अंदर एक सेटटॉप बॉक्स भेजे हैं सबीर अहमद बाबा ने, और ये हमारे पास आया है श्रीनगर कश्मीर से। ठीक है, तो इसको खोल लिए और इसके अंदर खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या कौन सा सेटटॉप बॉक्स है। तो ऊपर का जो है सॉलिड का एक शूट DLX का बॉक्स है और इसके अंदर सॉलिड का एक एस्यू DLX का ही बॉक्स है। उसके साथ एक रिमोट भेज दिए, ये देख सकते हैं ये सॉलिड का एक एस्यू DLX का ही सेटअप बॉक्स है। ठीक है, तो इसमें आप टीवी में लगा के चेक करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है। ये सॉलिड का जो 2100 DLX मॉडल है, तो इसको आप टीवी में लगा के चेक करते ये चलता है कि नहीं, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ये तो अभी हमने चेक किए नहीं। तो आप चेक करने के लिए इसको HDMI यूज़ कर रहे हैं। और ये दे दिए इसमें पावर, इसके अंदर पावर दे दिए, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पे भी कुछ नहीं आ रहा है यार, यहाँ पे भी कुछ नहीं आ रहा है। इसके अंदर आ रही है प्रॉब्लम है, तो इसको सॉल्व करते जल्दी जल्दी। तो ये वाला बॉक्स में जो प्रॉब्लम था, इसका जो सॉफ्टवेयर था वो रॉन्ग सॉफ्टवेयर डाल दिए थे, जिसके कारण ये बॉक्स बिल्कुल डेड हो चुका था। तो इसको सॉफ्टवेयर करने के लिए इसको IC निकाल के यहाँ पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, और ये प्रोग्राम हो रहा है, और इसको होने कंप्लीट होने के बाद इसको IC को दोबारा लगा के चेक करते। तो यहाँ पे हमने इसका जो मेमोरी IC था, फ्लैश IC, वो दोबारा यहाँ पे रीसोल्डिंग कर दिए। अब इसको और देखते ये चलता है कि नहीं, और ये देख सकते हैं जैसे ही हमने पावर दिए ये ऑन हो चुका है। और यहाँ पे टीवी स्क्रीन पे भी देख सकते सॉलिड 2100 DLX का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इसके अंदर डाल दिए, और यहाँ पे सॉलिड का 2100 DLX का ओरिजिनल सॉफ्टवेयर का इंटरफेस देख सकते। और आपके पास भी अगर कोई डेड बॉक्स पड़ा है, अगर रिपेयर नहीं हो रहा है, तो रिपेयर कराने के लिए मेरे हमारे पास भेज सकते हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो बस इतना ही था। वीडियो पूरा देखने के लिए सभी फ्रेंड को बहुत बहुत थैंक यू। चलिए मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।